आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 10B, जिसमें देख रहे हैं डिफरेंशिएशन, जो कि हमारा आरएस अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने सब प्रीवियस क्वेश्चन और इसका प्रीवियस एक्सरसाइज किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे लिंक के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के थ्रू जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 17, डिफरेंशिएट इच ऑफ द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन है एक्स इंटू ई के पावर रूट एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लेट करेंगे, लेट वाई इक्वल टू एक्स ई के पावर अंडर रूट साइन एक्स। लेट करने के बाद सेकेंड स्टेप होता है कि लैंग्वेज लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट। क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स इंटू ई के पावर अंदर रूट साइन एक्स बाई डी एक्स। अब यदि आप इसको ध्यान दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यू और ये क्या हो जाएगा भी, यानी यू इंटू भी। तो यू इंटू भी के फॉर्मूला पे जब इसको तोड़ेंगे, ये पूरा यू और ये पूरा भी, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, पहले यू बाहर यानी एक्स बाहर, डी बाई डी एक्स भी और भी के जब क्या है ई रूट साइन एक्स प्लस, फिर अभी यू बाहर किए थे अब भी बाहर करेंगे, यानी ई के पावर रूट साइन एक्स बाहर डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा यू यानी एक्स। अब इसके बाद आप ध्यान देंगे, इसके बाद अब सॉल्व करना है हमें, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो बाहर है एक्स तो ये बाहर ही रह जाएगा, और यहां पे इसको फिर से क्या करेंगे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, यानी डी ई के पावर अंडर रूट साइन एक्स बाई डी और यहां पे एक्स के जगह पे क्या होगा, तो यहां पे एक्स के जगह पे हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स, और फिर एक बार अंडर रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स बाई डी और यहां पे एक्स के जगह पे क्या होगा तो साइन एक्स, एंड फिर एक बार साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बाई डी एक्स। इसका काम हो गया। अब यहां पे प्लस है तो प्लस ई के पावर अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा वन, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं। अब क्या हो जाएगा हमारा, अब हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे x का तो x ही रहेगा और e के पावर x के फॉर्म में है, e के पावर x के फॉर्म में है और e के पावर x का x ही होता है, तो x के जगह पे अंडर रूट साइन एक्स। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यदि साइन x को x समझें तो ये क्या हो जाएगा रूट x और रूट x का कितना होता है 1/2 √x, यानी ये कितना हो जाएगा 1/2 √x के जगह पे साइन x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ई के पावर अंडर रूट साइन एक्स। अब इसके बाद आप ध्यान देंगे, अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले तो एक्स लिख लेते हैं इंटू ई के पावर अंडर रूट साइन एक्स लिख लिए इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस बाई 2 √sin x प्लस ई के पावर रूट साइन एक्स। तो यहाँ तक हमारा मैथ हो गया। एक बार फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन था x इंटू ई के पावर रूट साइन एक्स। पहला स्टेप होता है कि क्वेश्चंस को लेट करना, लेट y इक्वल टू एक्स इंटू ई के पावर रूट साइन एक्स। उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है कि लैंग्वेज लिखना डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट। क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले क्या करेंगे तो पहले सबका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, यानी डी एक्स इंटू ई के पावर रूट साइन एक्स बाई डी एक्स।
उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, अब ये इसको हम u समझ लें, इसको v, तो u इंटू भी, और u इंटू का यू इंटू भी का फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले u बाहर v का डिफ्रेंसिएशन, फिर भी बाहर u का डिफ्रेंसिएशन, u भी मीन्स आप समझ रहे हैं u मीन्स x और v मीन्स e के पावर रूट साइन x। अब इसके बाद इस स्टेप पे आए तो dy by dx x है तो x, और यहां पे चेन रूल अप्लाई होगा चूंकि e के पावर रूट साइन x है, तो चेन रूल अप्लाई तो होगा, एक बार e के पावर रूट साइन x का डिफ्रेंसिएशन और x के जगह पे रूट साइन x, फिर एक बार रूट साइन x का डिफ्रेंसिएशन और x के जगह पे साइन x, फिर एक बार साइन x का डिफ्रेंसिएशन और x का x, जब x आ जाए तो ये खत्म, e के पावर रूट साइन x, और यहां पे dx का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा dx by dx यानी 1, dy by dx x e के पावर x के फॉर्म में है तो e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन तो e के पावर x ही होता है, और x के जगह पे साइन x इनटू, यहां पे आप ध्यान देंगे यदि साइन x को x समझे तो रूट x हो जाएगा, और रूट x का कितना होता है 1 बाई टू रूट x, x के जगह पे साइन x, और साइन x का cos x, फिर यहां पे e के पावर रूट साइन x जैसा है वैसा। अब यहां पे केवल हम अरेंज किए हैं dy by dx, x पहले लिख दिए, e के पावर रूट साइन x लिख दिए, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी cos x by 2 रूट साइन x प्लस e के पावर रूट साइन x। तो पहले इतने पार्ट को आप एक बार नोट डाउन कर लें। अब यहां तक हम पिछले स्टेप में देख चुके थे, इसके बाद आप ध्यान देंगे करना क्या है, बस थोड़ा सा लास्ट बचा हुआ, dy by dx इक्वल टू e के पावर रूट साइन x यहाँ पर भी है, e के पावर रूट साइन x यहाँ पर भी है, तो e के पावर रूट साइन x को पहले हम कॉमन लेते हैं, e के पावर रूट साइन x को कॉमन ले लिए, तब बच क्या जाएगा, ये तो पूरा कॉमन हो गया, यानी बच गया मेरे पास x इंटू कॉस x बाई टू रूट साइन x, यही हमारा आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं किए, e के पावर रूट साइन x दोनों में है, इसको कॉमन ले लिए, जो जो बच गया उसको लिख दिए, x इंटू कॉस x बच गया, फिर उसके बाद बाई टू रूट साइन x बच गया, और यहाँ से e के पावर रूट x ले लिए, तो यहाँ पे प्लस वन भी तो बचा, तो प्लस वन, यही हमारा आंसर होगा। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, डिफ्रेंशिएट ईच ऑफ द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्वेश्चन है e के पावर साइन x इंटू साइन e के पावर x, तो पहला स्टेप क्या होता है, y करें, लेट y इक्वल टू e के पावर साइन x इंटू साइन e के पावर x, लेट कर लिए, उसके बाद लैंग्वेज लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, x ऑन बोथ साइड वी गेट, क्या हो जाएगा dy by dx इक्वल टू d e के पावर साइन x इंटू साइन e के पावर x by dx। अब यहां पर भी क्या हो जाएगा, इसको हम u समझें, इसको भी, तो u इंटू भी, तो u इंटू भी के फॉर्मूला पे यदि इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा dy by dx, पहले तो e बाहर यानी e, u बाहर यानी u के जगह पे क्या हो जाएगा e के पावर साइन x d by dx भी, और भी के जगह पे क्या है साइन e के पावर x, फिर प्लस अभी u बाहर हुआ था अब भी बाहर होगा यानी साइन e के पावर x d by dx u का डिफ्रेंसिएशन e के पावर साइन x का डिफ्रेंसिएशन। अब इसके बाद क्या स्टेप है, तो dy by dx इक्वल टू e के पावर साइन x, तो बाहर था तो ये बाहर ही रहेगा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप ध्यान देंगे e साइन e के पावर x है, यदि इसको पूरा हम x समझें, यदि इसको पूरा पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी इसको पहले क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स, चेन रूल अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा e के पावर साइन e के पावर x, और यहाँ पे x के जगह पे क्या हो जाएगा, तो x के जगह पे हमारा हो जाएगा e के पावर x इंटू डी ई के पावर x बाई डी एक्स, फिर अगेन प्लस है तो प्लस साइन e के पावर x, और d यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी अलग अलग डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, यानी d e के पावर साइन x बाई x के जब कितना हो जाएगा साइन x इंटू डी साइन x बाई डी एक्स। अब इसके बाद क्या हो जाएगा dy by dx
इक्वल टू ई के पावर साइन एक्स, और यदि ई के पावर एक्स को हम एक्स समझें तो साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफिजन कितना होता है कॉस एक्स, इन टू ई के पावर एक्स का डिफिजन ई के पावर एक्स ही हो जाएगा, प्लस साइन ई के पावर एक्स जैसा है वैसा ही हो जाएगा, और ई के पावर यदि साइन एक्स को एक्स समझे तो ई के पावर एक्स यानी ये कितना हो जाएगा ई के पावर साइन एक्स ही हो जाएगा, और साइन एक्स का कॉस एक्स। तो यहाँ तक हमारा मैथ हो गया। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन था वाई इक्वल टू ई के पावर साइन एक्स इन टू साइन ई के पावर एक्स। पहले लैंग्वेज लिखे हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट डी वाई बाई डी एक्स, पूरा का डिफ्रेंसिएशन यानी डी ई के पावर साइन एक्स इन टू साइन ई के पावर एक्स डी एक्स। अब इसको यू इसको भी समझें तो पहले यू बाहर भी का डिफ्रेंसिएशन प्लस भी बाहर यू का डिफ्रेंसिएशन, उसके बाद बाहर वाला बाहर, और इस पे तो चेन रूल अप्लाई होगा यानी एक बार साइन ई के पावर एक्स का पूरा डिफ्रेंसिएशन एक्स की जगह पे ई के पावर एक्स, और फिर एक बार ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन। प्लस है तो प्लस, साइन ई के पावर एक्स बाहर है तो बाहर, यहाँ पर भी चेन रूल अप्लाई होगा यानी एक बार ई के पावर साइन एक्स बाई डी एक्स की जगह पे साइन एक्स, और फिर एक बार साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन। बाहर वाले को तो पहले उतार लिए, यदि इसको एक्स समझे तो साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, और एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स, कॉस ई के पावर एक्स इन टू ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई के पावर एक्स ही होता है। फिर प्लस है तो प्लस, साइन ई के पावर एक्स का साइन ई के पावर एक्स ही हो जाएगा, और फिर ई के पावर एक्स यदि साइन एक्स को एक्स समझे तो ई के पावर एक्स यानी ई के पावर साइन एक्स इन टू साइन एक्स का कॉस एक्स। तो इतने पार्ट तक आप एक बार नोट डाउन कर लें। अब पिछले स्लाइड में हम यहाँ तक देख चुके थे, अब आप ध्यान देंगे e के पावर x, e के पावर साइन x और e के पावर साइन x दोनों में है। तो पहले dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर साइन x को हम कॉमन लेते हैं, तो e के पावर साइन x यहाँ से गायब हो गया, तो बचेगा क्या, पहले लिख लेते हैं e के पावर x cos e के पावर x, प्लस यहाँ से तो e के पावर साइन x गायब हो गया, तो यहां के बचेगा क्या मेरे पास, तो बच जाएगा cos x इंटू e साइन e के पावर x, यही हमारा रिजल्ट होगा कि ये क्या e के पावर साइन x को कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद बचा क्या e के पावर x cos e के पावर x, प्लस है तो प्लस, यहां से तो e के पावर साइन x ले ही लिए तो बचा क्या cos x इंटू साइन e के पावर x। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।